गुड मॉर्निंग क्लास, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 11th का परमोटेशंस एंड कॉम्बिनेशन। इसका कोई भी क्वेश्चन दो या तीन लाइन से बड़ा नहीं होगा। वो दो और तीन लाइन अगर आप सॉल्व कर पाए तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे, अदरवाइज कुछ भी नहीं कर पाओगे उसमें। तो कॉन्सेप्ट को इसको समझना है, क्या होता है परमोटेशन एंड कॉम्बिनेशन। छोटा सा एग्जाम्पल देख रहे हैं कि हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं इस पूरे चैप्टर में। अगर मैं आपसे कहूँ कि आप बताइए कि कितने ऐसे मोबाइल नंबर इस दुनिया में हैं जो कि 9 से स्टार्ट होते हैं। इनफाइनाइट नहीं होते, देर आर सर्टेन नंबर, फिक्स है। 9 से स्टार्ट होने वाले कितने मोबाइल नंबर हैं आप पता कर पाओगे इस टॉपिक को पढ़ने के बाद। मैं आपसे कह दूं कि बताइए 4 डिजिट के कितने ऐसे नंबर्स हैं जो कि 7 से डिविजिबल है, 4 डिजिट के। तो नॉर्मल मैथ्स में इसे निकालना बहुत मुश्किल है ना, लेकिन परमोटेशन कॉम्बिनेशन में आप बहुत इजीली कुछ सेकेंड में इस कैलकुलेशन कर सकते हो। तो एक्चुअली इस चैप्टर में बच्चों हम लोग काउंट करेंगे विदाउट एक्चुअल काउंटिंग, यानी सच में भी नहीं गिनेंगे तब भी गिन लेंगे। तो व्हाट इज परमोटेशन एंड कॉम्बिनेशन, इट इज काउंटिंग विदाउट एक्चुअल काउंटिंग, बिना एक्चुअल काउंटिंग के हम लोग काउंटिंग करेंगे। तो ये दो इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैथमेटिक्स के, और इसके पहले एक छोटा सा और कॉन्सेप्ट समझना है, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। काउंटिंग का एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है, वो क्या होता है इसे समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। सपोज बच्चों ये हो आप, और आपके पास 3 जीन्स हैं और 4 टी शर्ट्स हैं। जस्ट एग्जाम्पल, हो सकता है आपके पास ज़्यादा हो, लेकिन एक एग्ज़ाम्पल है कि सपोज़ आपके पास 3 जीन्स हैं और आपको कहीं जाना है किसी स्पेशल जगह। अब आप सोच लो कहाँ जाना होगा, और आपको डिसाइड करना है कि आप कौन सी ड्रेस पहनो। तो किसी जीन्स के साथ कोई भी टी शर्ट पहनी जा सकती है, तो आपके पास कितनी चॉइसेस हैं, 4 टी शर्ट हैं और 3 जीन्स। ये प्रिंसिपल कहता है कि 12 चॉइसेस हैं, क्योंकि इफ एन इवेंट कैन ऑकर इन m डिफरेंट वेज एंड अनदर इवेंट कैन ऑकर इन n डिफरेंट वेज। कोई इवेंट m तरीकों से हो सकती है और दूसरी इवेंट n तरीकों से हो सकती है, तो उन दोनों इवेंट के साथ होने का टोटल चांसेस क्या होंगे या ऑर्डर क्या होगा। तो दोनों इवेंट के एक साथ होने का ऑर्डर क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ ऑकरेंस इन द गिवन ऑर्डर इज m मल्टीप्लाई बाई n। ठीक, ये फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग कहता है। अब मैं इसे समझाती हूँ। तो ये हो तुम और ये है तुम्हारी 3 जीन्स, या तो तुम फर्स्ट जीन्स पहन के जा सकते हो या सेकेंड या थर्ड। तो अभी तो तुमने सिर्फ जीन्स सेलेक्ट की है, तो अब या तो तुमने पहली टी शर्ट पहनी या दूसरी पहन ली या तीसरी पहन ली या चौथी पहन ली। फर्स्ट जीन्स के साथ तुम्हारे पास ये 4 चॉइसेस हैं, ठीक है। तो सपोज दिस इज T1, T2, T3 एंड T4। तो अगर तुमने पहली जीन्स और पहली टी शर्ट चुनी तो तुम्हारा जो पेयर होगा वो क्या होगा, J1, T1। पहली जीन्स पहली टी शर्ट पहन के तुम चले जा रहे हो, तुम सोचो यही सही कॉम्बिनेशन है, यही सही सेट होगा। या फिर तुम सोचो नहीं यार T1 सही, ये वाली टी शर्ट सही नहीं दिख रही है, ये वाली टी शर्ट ज़्यादा सही रहेगी। तो तुम इस टी शर्ट का भी सिलेक्शन कर सकते हो। तो J1 के साथ तुम T2 ले सकते हो, क्या हो जाएगा फिर। या फिर तुमको लगता नहीं ये कलर भी तुम्हें ज़्यादा अच्छा लगता हूँ, J1, T3 या फिर J1। तो ये 4 तरीके हो सकते हैं, लेकिन फिर तुम्हें ध्यान आता कि नहीं ये वाली जीन्स सही नहीं रहेगी, असल में सेकेंड जीन्स पहनना चाहिए। फिर इसी तरह से सेकेंड जीन्स के साथ भी तुम किसी भी टी शर्ट को सेलेक्ट कर सकते हो, तो क्या हो जाएगा ये J2, T1, J2, T2, J2, T3 एंड J2, T4। ठीक है, फिर एकदम से याद आता कि नहीं सबसे अच्छी जीन्स तो मेरे पास ये है, नहीं है ये, चलो इसी को पहनते हैं। तो ये भी हो सकता है, और इसके साथ भी किसी भी टी शर्ट को तुम पहन सकते हो, है ना। तो अगर तुमने पहली टी शर्ट चुना है तो J3, T1, J3, T2, J3, T3 एंड J3। अब तुम सबको गिनो कितने हैं, 12। ये तो अपन पहले ही पता कर लिए थे फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से। तो ये एक्चुअल काउंटिंग है, देख सकते हो कितना दिमाग लगाना पड़ गया। जबकि फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग क्या कहता है, अगर कोई इवेंट m डिफरेंट तरीकों से हो सकती है, जैसे कि जीन्स 3 तरीकों से पहनी जा सकती थी, बिकॉज फॉर जीन्स यू हैव 3 चॉइस। तो जीन्स के लिए 3 चॉइस थी और टी शर्ट के लिए 4 चॉइस थी। तो सीधे फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग क्या कहता है, मल्टीप्लाई कर दो उनको, 12 वेज से तुम अपने ड्रेस का सिलेक्शन कर सकते हो। There are 12 ways to select the dress for some special event. Fundamental principle of counting के हिसाब से
अगर एक इवेंट को एम तरीकों से हो सकती है, दूसरी इवेंट एन तरीकों से हो सकती है, तो टोटल वेज क्या होंगे इस इवेंट की, टोटल नंबर ऑफ ऑकरेंस क्या होंगे, एम इंटू एन। समझ आया? दिस इज फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। अब बच्चों हम लोग सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। सपोज T1, T2, T3, T4 फोर टैप्स हैं, नहीं नल लगे रहते हैं पानी पीने वाले, देर आर फोर टैप्स, उनके पास तीन लोग जाते हैं, तो वो कितने तरीके से टैप्स का सिलेक्शन कर सकते हैं। पहला पर्सन जाता है, कोई भी टैप ऑक्यूपाइड नहीं है, इसके पास चार रास्ते हैं, या तो वो इसको सेलेक्ट कर सकता है, या इसको सेलेक्ट कर सकता है, या इसको सेलेक्ट कर सकता है, या फिर इसको सेलेक्ट कर सकता है। तो फर्स्ट पर्सन के पास कितने वेज हैं, फोर वेज मल्टीप्लाइड बाई। अब मान लो उसने इसको चुन लिया है और वो इसमें पानी पीना स्टार्ट कर दिया। नाउ फॉर द सेकेंड पर्सन हाउ मेनी चॉइसेस आर देयर, और फॉर सेकेंड पर्सन, सपोज सेकेंड पर्सन के लिए अब ये ऑक्यूपाइड हो चुका है, सेकेंड पर्सन इसको सेलेक्ट कर सकता है, इसको सेलेक्ट कर सकता है, या फिर इसको सेलेक्ट कर सकता है, तो उसके लिए कितने रास्ते हैं, चॉइसेस हैं थ्री। एंड सिमिलरली ये जो है, अब मान लीजिए इसने इसको सेलेक्ट कर लिया, अब इसके पास कितने चॉइसेस हैं, टू, तो वन एंड टू। ठीक, मान लो कोई फोर्थ पर्सन भी होता तो इसके लिए कितने रास्ते थे, टू। मान लो कोई फोर्थ पर्सन भी होता तो उसके लिए सिर्फ एक ही रास्ता था कि भाई ये बचा, चलो इसी से इसी को ही ले लेते हैं, तो वन। और अगर तीन थे तो अपन, तुम लोग ने क्या कहा था, तीन थे तो तुम लोग ने क्या कहा था, ट्वेल्व बोला था, लेकिन एक्चुअली क्या है, फोर इंटू थ्री इंटू टू, यानी कि 24। और अगर चार पर्सन है तो इसके लिए तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, सिर्फ एक ही ऑप्शन है, वो उसको यूज़ कर सकता है। तो हाउ मेनी वेज आ गया, 24 वेज। अगर फोर टैप्स हैं और फोर पर्सन जाते हैं और किसी एक टैप से पानी पीना एक्सेप्ट करते हैं या चूज करते हैं, तो हाउ मेनी चॉइसेस आर देयर, 24 तरीकों से वो चुन सकते हैं। ठीक, तो ये सेकेंड एग्जांपल था। अभी थर्ड एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए मेरे पास एक वर्ड है देन, देन के लेटर्स का यूज़ कर करके हम कितने डिफरेंट वर्ड्स बना सकते हैं, चाहे उसकी कोई मीनिंग हो चाहे ना हो, हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी मेड। तो बच्चों जब भी हम कोई वर्ड बनाते हैं तो वर्ड क्या होता है, ये जो लेटर्स हैं इसको इधर उधर ही तो रख देते हैं, अरेंजमेंट ऑफ लेटर्स हो सकता है ना। तो सबसे पहले आपको कितने डिजिट का लेटर बनाना है, फोर डिजिट का। ये फोर प्लेस बन गए, हम जो वर्ड बनाने वाले हैं उसकी डिजिट्स का प्लेस ये है। हमारे पास कितने अवेलेबल ऑप्शंस हैं, कितने लेटर्स हैं, टोटल नंबर ऑफ लेटर्स इज इक्वल टू फोर। तो इस जगह पे भरने के लिए कितने चॉइसेस हैं, फोर। फॉर द फर्स्ट प्लेस हाउ मेनी चॉइसेस आ गया, फोर चॉइसेस आ गए। भाई हम इसमें या तो टी रख सकते हैं, या एच रख सकते हैं, या ई रख सकते हैं, या फिर एन रख सकते हैं। तो आई हैव फोर चॉइसेस फॉर दिस। अभी आपको एक कंडीशन दी है कि भाई रिपीटेशन अलाउ नहीं है, एक लेटर जो आपने एक जगह पे यूज़ कर लिया है उसको दोबारा आप यूज़ नहीं कर सकते, इसको कहते हैं रिपीटेशन इज़ नॉट अलाउड। ठीक है, तो इसको भर लिया, तो अब कितने ऑप्शन बचे आपके पास, थ्री बचे। तो इस प्लेस को कितने तरीके से भरा जा सकता है, तो फॉर द सेकेंड प्लेस हाउ मेनी ऑप्शन आ गया, थ्री। तो अब दो ख़त्म हो गए लेटर्स, दो यूज़ हो गए हैं। फॉर दिस प्लेस हाउ मेनी चॉइसेस आ गया, टू, एंड फॉर दिस वन। तो थर्ड प्लेस के लिए भी कितना हो गया, टू, और फोर्थ प्लेस के लिए भी कितना हो गया, वन। तो व्हाट फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग सेज कि टोटल नंबर ऑफ ऑकरेंस इन द गिवन ऑर्डर इज एम इंटू एन। जो इसको कितने तरीके से कर सकते हैं, फोर, इसे थ्री, इसे टू, इसे वन, यानी सबको, सारे ऑप्शंस को मल्टीप्लाई करना है तो वो टोटल ऑकरेंस होगा। तो फोर थ्री जैसे 12 × 2 = 24, तो 24 वर्ड्स बन सकते हैं विद और विदाउट मीनिंग फ्रॉम द लेटर्स ऑफ दिस वर्ड वेयर रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। समझ गए, एक लेटर को अगर आप एक ही बार यूज करना चाहते हो तो देन वर्ड के लेटर से आप 24 नए लेटर्स वर्ड्स बना सकते हो। समझ आई बात, तो ये FPC है। अब फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग पे बेस्ड आपकी एक्सरसाइज 5.1 है। अब अपन चूंकि समझ चुके हैं इस कॉन्सेप्ट को, तो लेट्स स्टार्ट द एक्सरसाइज। हम स्टार्ट किए थे हमारी NCERT एक्सरसाइज 6.1 अकॉर्डिंग टू न्यू बुक एंड 7.1 अकॉर्डिंग टू ओल्ड बुक। क्वेश्चन नंबर वन इज हाउ मेनी थ्री डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट्स।
आपको 3 डिजिट के नंबर बनाने हैं, ठीक है। कोई 3 डिजिट नंबर बनाना, जैसे कि 100 एक 3 डिजिट नंबर होता है, 100 में 2 जीरोज़ हैं, तो 0 रिपीट हुआ है, तो इसका मतलब है रिपीटेशन अलाउ। लेकिन अगर हम एक ऐसा नंबर बनाते हैं जिसमें कोई डिजिट रिपीट नहीं होता, उसको कहते हैं रिपीटेशन इज़ नॉट अलाउ। ये दो तरह की चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो आपके पास ऑप्शंस कितने हैं, आपको किससे नंबर बनाना है, 1, 2, 3, 4, 5, ये ऑप्शंस हैं आपके पास। इसका यूज़ कर करके तुम्हें बनाना है कोई 3 डिजिट का नंबर, ठीक है। आप कितने तरीके से बना सकते हो, शर्त ये है कि कितने नंबर्स बना सकते हो, शर्त ये है कि रिपीटेशन अलाउ है, ठीक। तो सबसे पहले ये फर्स्ट प्लेस है, फर्स्ट प्लेस कैन बी फिल्ड बाई, फर्स्ट प्लेस को कितने तरीके से फिल किया जा सकता है, वन टू थ्री फोर फाइव, इसको 5 तरीकों से भरा जा सकता है, 5 वेज, ठीक। अब ये कहना है कि रिपीटेशन अलाउ है, मतलब जो पहले ले लिए वो दोबारा आ सकता है। तो फॉर द सेकेंड प्लेस भी, सेकेंड के लिए भी इस बात पाँच ही तरीके होंगे, तो सेकेंड के लिए कितने होंगे, 5 वेज, एंड फॉर थर्ड अगेन 5 वेज। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग क्या कहता है कि टोटल नंबर ऑफ ऑकरेंस इन द गिवन इज द प्रोडक्ट ऑफ बोथ द वेज। पहली बार जो नंबर ऑफ वेज थे उसको पहले आए थे, सबको मल्टीप्लाई करना है, सो टोटल वेज कितने हो जाएंगे, टोटल कितने बढ़ेंगे, 5 × 5 × 5, 5 क्यूब कह सकते हैं, 125। ऐसे कितने नंबर्स बना सकते हो इनका यूज़ करके, 3 डिजिट के अगर रिपीटेशन अलाउ है तो 125 नंबर बना सकते हैं। यानी ज़रूर इनमें से कोई ऐसा भी रहा होगा, 1, 1, 1, 1 को 3 बार ले लिए, 2, 2, 2 भी रहा होगा, और डिफरेंट भी रहे होंगे, तो टोटल कितने हो सकते हैं, 125। तो तुम देख सकते हो कि हमने सच में बना के देखा ही नहीं, बस हम तो फिर भी कैलकुलेट कर लिए। दिस इज़ द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। अब सेकेंड वे है इसमें, जब रिपीटेशन अलाउ नहीं है, अगर रिपीटेशन अलाउ नहीं है बच्चों, तो फर्स्ट प्लेस को, इफ रिपीटेशन इज नॉट अलाउड देन फर्स्ट प्लेस के लिए कितने तरीके से ऑक्यूपाई किया जा सकता है, 5। सेकेंड प्लेस, अब जो पहले ले लिए थे आप उसको नहीं ले सकते, तो सेकेंड के लिए 4 ऑप्शंस है, 4 डिजिट बचेंगे, एंड फॉर थर्ड प्लेस के लिए कितने डिजिट बचेंगे, 3। तो टोटल 3 डिजिट नंबर्स, टोटल 3 डिजिट नंबर्स जो आप बना सकते हो इज इक्वल टू 5 × 4 × 3, यानी कि 60 ऐसे नंबर्स बन सकते हैं अगर एक डिजिट को एक ही बार लेना है तो, और अगर एक को ज़्यादा बार ले सकते हैं तो 125 बनेंगे, एंड इफ रिपीटेशन इज नॉट अलाउड देन 60 बनेंगे। समझ आया बच्चों। सेकेंड क्वेश्चन में, हाउ मेनी 3 डिजिट इवन नंबर्स कैन बी फॉर्म। आपके पास अवेलेबल ऑप्शंस कितने हैं, 1 से लेकर 6 तक। अगर इवन बनाना है तो एक कंडीशन होती है, इवन नंबर्स के लिए ये जो यूनिट प्लेस है ना, इसमें क्या आना चाहिए, या तो 2 आ जाए, या तो 4 आ जाए, या तो 6। तो फॉर इवन नंबर जो यूनिट प्लेस है वो कितने तरीके से फिल किया जा सकता है, 3 वेज से, ठीक। बाकी के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अब यहाँ पे कह रहा है कि रिपीटेशन अलाउ है, रिपीटेशन इज अलाउड। तो फो जो टेंस प्लेस है, ये वाला टेंस प्लेस कितने तरीके से फिल किया जा सकता है, 6, क्योंकि अब उसके लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, 6 वेज। और फिर ये जो 100 प्लेस है, 100 प्लेस कैन बी ऑल्सो फिल्ड बाई 6 वेज। तो टोटल कितने हो जाएंगे, टोटल वेज कितने हो जाएंगे बच्चों, 3 × 6 × 6, यानी कि 108 वर्ड्स बन सकते हैं, या डिजिट्स बन सकते हैं, हाँ, या बेस हो सकते हैं, इतने नंबर्स बन सकते हैं। फाइन बच्चों, 7.1 में हम लोग आगे बढ़ते हैं। जो कॉन्सेप्ट हमने फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग का डिस्कस किया है उसमें कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ मेनी 4-लेटर कोड कैन बी फॉर्म्ड बाई यूजिंग 10 लेटर्स ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट्स। अभी आपको नंबर्स नहीं दिए हैं, इंग्लिश अल्फाबेट की 10 लेटर्स का यूज़ करना है, ABCD, 10th J होता है, तो A से लेकर J तक का यूज़ करना है आपको, ठीक है। और आपको 4 लेटर का कोई कोड बनाना है, जैसे ABCD कोड हो सकता है, जैसे आप अपना फ़ोन का कोड बनाते हो तो रैंडमली कुछ भी रख लेते हो, 1, 2, 3, 4 सबसे ज़्यादा रखा जाता है, तो यहाँ पे किसी को ना 4 लेटर का कोड बनाना है, किसका यूज़ करके, इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स का यूज़ करना है, ए से लेकर जे तक, ठीक है। आपको बताना है कि ऐसे कितने कोड बनाए जा सकते हैं, हाउ मेनी कोड्स कैन बी फॉर्म्ड। हम इसे सॉल्व करेंगे विद द कॉन्सेप्ट ऑफ
fundamental principle of counting. So we have to make a four-letter code from the first 10 alphabets. ठीक है, let the format of code is this. जब भी code बना जाएगा तो ऐसे four places होंगे उसमें. This is the first place, second, third and fourth place. The first place can be filled by. इस place को भरने के लिए आपके पास कितने options हैं? 10. क्योंकि 10 option है ना, अब यहाँ पे आप कुछ भी भर सकते हो, है ना? इस place को भरने के लिए 9. क्यों? रिपीटेशन अलाउ नहीं है, जो एक बार यूज कर लिया उसको दोबारा नहीं यूज कर सकते हैं. तो इसके लिए 9 ऑप्शन बचेंगे, इसके लिए 8, इसके लिए 7. तो सीधे से क्या करना है FPC से, 10 × 9 × 8 × 7. तो इसको थोड़ा सा लिखना कैसे होगा आपको, जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे हमें मन में ही हमें समझ आ गया आंसर क्या क्या होगा, 10 × 9 × 8 × 7. बट थोड़ा सा लिखना पड़ेगा, लिखने का तरीका कैसा होगा, लेट द फॉर्मेट इज दिस, द फर्स्ट प्लेस कैन बी ऑक्यूपाइड बाई एनी ऑफ द लेटर, सो दिस प्लेस कैन बी फिल्ड बाई 10 वेज. कुछ भी आ सकता है, ए आ सकता है, बी आ सकता है, 10 तरीके से इसे भरा जा सकता है. As repetition is not allowed, so the second place can be filled by 9 ways, क्योंकि जो पहले आप लोग यहाँ पे ले चुके हो उसको दोबारा नहीं ले सकते. Third place can be filled by 8 ways by the same explanation. Fourth place can be filled by 7 ways. So by fundamental principle of counting, the total number of code can be formed is equal to multiplication product of all these ways. 10 × 9 × 8 × 7 multiply करिए कितना आया? 5. तो इतने कोड बन सकते हैं, एक से लेकर ए से लेकर जे तक के अगर अल्फाबेट्स यूज किए जाए तो इतने 4-letter कोड बन सकते हैं. समझ गए? ओके, तो बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की. क्वेश्चन नंबर 4 इज हाउ मेनी 5-digit टेलीफोन नंबर्स कैन बी कंस्ट्रक्टेड यूजिंग द डिजिट 0 to 9 इफ ईच नंबर स्टार्ट विथ 67 एंड नो डिजिट अपीयर्स मोर देन वंस. देखो टेलीफोन नंबर यानी कि लैंडलाइन, पहले जानते होगे कि लैंडलाइन का बहुत जमाना था, सबके यहाँ एक लैंडलाइन का फ़ोन हुआ करता था, शायद वो ये क्वेश्चन उसी टाइम का है. अभी क्या होता है, लैंडलाइन फ़ोन नंबर सिर्फ ऑफिस में रहते हैं, घर में किसी के नहीं होते हैं, है ना? तो जब भी आपको 5-digit का एक टेलीफोन नंबर बनाना है, टू मेक अ 5-digit टेलीफोन नंबर वी हैव ऑप्शंस. अगर ये ऑप्शन नहीं भी दिया होता ना कि 0 से 9 तक, तब भी यूनिवर्सल ऑप्शंस यही होते हैं, कुछ केसेस को छोड़ के. जैसे लास्ट क्वेश्चन में क्या कहा था, इंग्लिश अल्फाबेट से कोड बनाना था ए से जे तक, अदरवाइज वो अगर बोले कि टेलीफोन नंबर बनाना, तो यूनिवर्सल ऑप्शन हमारे पास 0 से 9 ही तक तो है, इसके अलावा तो नंबर्स होते नहीं हैं. तो हमको बनाना है 0 से 9 तक के डिजिट का यूज करके. फॉर्मेट क्या होगा 5-digit टेलीफोन नंबर का, ऐसा होगा. ठीक, अगर यहाँ पे ये 67 वाला फंड जो कॉन्सेप्ट है वो नहीं दिया होता तो तुम इसमें क्या लिखते, ध्यान से सुनिए. अगर ये नहीं कहे कि 67 से स्टार्ट कर रहा है, 5-digit फोन नंबर ही बनाना है, तो तुम क्या करोगे, यहाँ पे तुम सिर्फ 0 बस को नहीं ले सकते हो, 0 को नहीं ले सकते हैं. क्यों? क्योंकि अगर 0 को ले लिए तो ये 4-digit का नंबर कहा जाएगा, जो कि हमें नहीं बनाना है. हमें कितना बनाना है, 5-digit का. अब यहाँ एक मिनट, अगर ये 67 वाला नहीं दिया होता तो तब तुम इस क्वेश्चन को कैसे करते? रिपीटेशन इज नॉट अलाउड ना, नो डिजिट अपीयर्स मोर देन वंस, यानी रिपीटेशन अलाउ नहीं है, तो यहाँ पे 0 बस नहीं आ सकता. तो इसको कितने तरीके से फिल किया जा सकता, कितने ऑप्शन है ये? तो इसको 9, इसको नहीं, इसमें अब 0 आ सकता है, 10 में से एक जो यहाँ आ चुका उसको बस छोड़ना है. 9, इसको 8, इसको 7, इसको 6, मल्टीप्लाई कर देंगे. अगर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती तो इनका प्रोडक्ट ही आंसर होता, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि आपको 5-digit का टेलीफोन नंबर बनाना है लेकिन 67 से स्टार्ट करना है. क्योंकि जब लैंडलाइन का दौर था तो हर एक सिटी में ना कोई एक नंबर से स्टार्ट होता था. जैसे हमारे सिटी में 4-digit से, मतलब 4 से स्टार्ट होने वाले ही सबके नंबर थे. तो ये जहाँ की बात हो रही है वहाँ पे 67 से स्टार्ट करना है इनको. ऐसे केस में जहाँ ये कह दें कि 6-7 से स्टार्ट होना, यानी कि ये दो प्लेस ऑलरेडी फिल्ड है, इसको अपन को नहीं भरना है, इसमें कुछ नहीं कर सकते हम लोग. दिस इज ऑलरेडी चूजन, ये पहले से ये प्लेस भरी जा चुकी है. तो हमें किसे सिर्फ लेना है, ये तीनों को ही सेलेक्ट करना है क्योंकि 67 फिक्स है. ठीक है, मान लेते हैं फर्स्ट प्लेस है, सेकेंड प्लेस है, थर्ड प्लेस है. तो 67 इज ऑलरेडी चूजन, एज 67 इज ऑलरेडी सेलेक्टेड, इसको पहले सेलेक्ट किया जा चुका है. So we have to fill only, कितने place fill करना है? Three places. चलिए अब पहला place जो है वो कितने तरीके से fill किया जा सकता है?
फर्स्ट प्लेस फिल किया जा सकता है बच्चों? देखो 10 में से 2 ऑप्शन खत्म हो चुके हैं, 10 में से 2 खत्म है, तो ये 8 तरीकों से फिल किया जा सकता है, 8 वेज। ठीक, सेकंड प्लेस 7 वेज, थर्ड प्लेस 6 वेज। व्हाट फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग सेज? टोटल वेज कितने होंगे? टोटल नंबर, टोटल मोबाइल नंबर्स होंगे, टोटल नंबर्स हो जाएंगे 8 × 7 × 6, कितना आएगा? 836। ये होंगे टोटल नंबर्स। कॉइन इज टॉस्ड, देयर आर 2 पॉसिबल आउटकम्स, हेड एंड टेल। लेकिन कॉइन को 3 बार इन्होंने टॉस किया है। फॉर द फर्स्ट टॉस हाउ मेनी पॉसिबिलिटीज आर देयर? 2। एक बार हेड या टेल, दो चीजें आ सकती हैं। हाउ मेनी आउटकम्स आ गया? 2। अब एक बार मान लो हेड आ गया होगा, क्या दूसरी बार उस दूसरे बार टॉस करने से क्या कोई प्रॉब्लम है? फिर से क्या नहीं आ सकता? फिर से आ सकता है। यानी एक चीज़ यहाँ अंडरस्टूड है कि रिपीटेशन इज अलाउड, फिर से भी तो हेड आ सकता है अगर पहली बार आया है तो। तो फॉर द सेकेंड टॉस अगेन द टू पॉसिबिलिटीज आ गया, तो पहली बार 2 आउटकम्स होंगे, दूसरी बार भी 2 आउटकम्स होंगे, एंड द थर्ड आल्सो 2 आउटकम्स विल बी देयर। तो इन द 3 टॉस द टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग क्या होगा? टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इक्वल टू 2 × 2 × 2, यानी कि कितना? 8 आउटकम्स होगी। किसी कोई डाउट? बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 में गिवन 5 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर्स, आपके पास डिफरेंट कलर के 5 फ्लैग्स हैं, ठीक है। अब क्या करना है? किसी को सिग्नल देना है, जैसे नहीं ट्रेन में ग्रीन सिग्नल रेड सिग्नल, तो वैसे ही किसी को क्या करना है? 2 सिग्नल जनरेट करना है। कोई एक टाइम पे 2 फ्लैग का ही यूज कर सकता है वो। हाउ मेनी डिफरेंट सिग्नल्स कैन बी जनरेटेड, ईच सिग्नल रिक्वायर्ड टू यूज 2 फ्लैग? अगर एक बार में 2 फ्लैग का ही यूज करना है तो कितने डिफरेंट सिग्नल बन सकते हैं? तो लेट द फॉर्मेट ऑफ फ्लैग्स, जो फ्लैग को 2 सिग्नल का जो फॉर्मेट है, सपोज ये है, तो दिस फॉर दिस फ्लैग हाउ मेनी ऑप्शंस आर देयर? सोच के बताओ भाई, इसमें हम इसमें से कुछ भी यूज कर सकते हैं। सो वी हैव 5, या तो ग्रीन या पिंक या वाइट या ब्लू या फिर ऑरेंज, देयर आर 5 वेज। तो यहां पे लिखेंगे फॉर फर्स्ट सिग्नल देयर आर हाउ मेनी वेज? 5 वेज आर देयर। ठीक, मान लो किसी एक कलर को हमने यहाँ पे यूज कर लिया है, तो फॉर द सेकेंड फ्लैग हाउ मेनी वेज आर देयर? क्योंकि एक पहले यूज कर चुके हैं, एक जैसा नहीं लेना है, रिपीटेशन अलाउ नहीं है। फॉर सेकेंड सिग्नल देयर आर 4 वेज, सो हाउ मेनी टोटल वेज आर देयर? टोटल नंबर ऑफ सिग्नल्स, कितने डिफरेंट तरीके से आप ये काम कर सकते हो? बोलिए, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग क्या कहता है? कि मल्टीप्लाई कर लो दोनों को, तो 5 × 4 यानी कि 20 डिफरेंट सिग्नल्स बनाए जा सकते हैं। इतने सारे फ्लैग से 20 तरह के सिग्नल जनरेट किए जा सकते हैं। दैट्स ऑल, समझ आ गया? हम इस चैप्टर में स्टार्ट करते हैं हमारा मेन पहला टॉपिक। अब आप पूछोगे परम्यूटेशन अभी तक नहीं स्टार्ट हुआ था तो क्या पढ़ रहे थे? अभी हम पढ़ रहे थे अरेंज करने का एक प्रिंसिपल, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, ठीक है। उससे भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। नाउ मैथमेटिक्स को बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक परम्यूटेशन, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल, ये परम्यूटेशन क्या होता है? लोग पूरा चैप्टर पढ़ जाते हैं लेकिन यही नहीं समझ आता है कि डिफरेंस क्या है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में। और क्वेश्चंस देख के कैसे डिसाइड करेंगे कि परम्यूटेशन का क्वेश्चन है कि कॉम्बिनेशन का? ये सब समझ आएगा, ध्यान से पढ़ लेना पड़ेगा बस। तो स्टार्ट करते हैं परम्यूटेशन की। सपोज हमारे पास n ऑब्जेक्ट्स हैं, या तो उन ऑब्जेक्ट्स में से हम r एक बार में लेना चाहते हैं, या n में से n ही x पूरे ले लेना चाहते हैं। परम्यूटेशन इज अरेंजमेंट, परम्यूटेशन क्या होता है? चीज़ों को अरेंज करने का तरीका होता है। परम्यूटेशन इज एन अरेंजमेंट इन अ डेफिनेट ऑर्डर ऑफ अ नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट टेकन सम और ऑल एट अ टाइम। अपने पास कुछ ऑब्जेक्ट्स होंगे, लेट देर आर एन ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, टेकन सम, उसमें से तुम आर ले रहे हो और ऑल एट अ टाइम, या फिर पूरे ले रहे हैं। एन में से हम या तो एन से कम ले सकते हैं या पूरे एन ले सकते हैं। क्या एन में से हम एन से ज़्यादा ले सकते हैं? नो। तो देर आर एन ऑब्जेक्ट्स, वी आर टेकिंग आर एट अ टाइम और एन एट अ टाइम। अगर एन में से आर को लेकर अरेंज करना है तो इसे हम लोग
रिप्रेजेंट करेंगे NPR तरीके से, NPR वेस। जब तक मैं एग्जांपल नहीं दूंगी समझ नहीं आएगा। ये एग्जांपल देखिएगा, तीन दोस्तों को फोटो खिंचवानी है लाइन में बैठ के, तो कितने तरीके से अलग अलग फोटो आ सकती है। ये हो सकता है कि ए फ्रेंड यहाँ बैठे, बी यहाँ और सी यहाँ, फिर दूसरा हो सकता है कि नहीं, बी यहाँ बैठ जाए, ए यहाँ और सी यहीं रहे। अब सी सामने आ जाए, बी ए, या फिर सी ए बी, या फिर बी सी ए, या फिर ए सी और बी, छह होंगे, छह ही होंगे, छह लिखे। इसके अलावा और कोई तरीका नहीं हो सकता, ठीक है। अब तो हमने क्या किया, अगर आपसे पूछे कि भाई थ्री लोग फोटोग्राफी के लिए एक लाइन में बैठे हैं, कितने डिफरेंट तरीके से आप उनकी फोटो आ सकती है, और ये सारी फोटो अलग लगेंगी, पहले से अलग लगेंगी ना, ऐसे बैठे तो अलग दिखेगी, ऐसे बैठे तो अलग दिखेगी। हाउ मेनी डिफरेंट वेज आर देयर टू टेक द सेम फोटो, तो तुम कह दोगे छह तरीकों से, लेकिन अभी तो हम अरेंज करके देख लिए। अब अगर मैं ऐसे 20 लोग बोल दूं, तो क्या 20 तरीके से हम अरेंज कर सकते हैं? दिस इज रियल अरेंजमेंट। पर परमुटेशन क्या करता है, इस काम को फॉर्मूले से कैलकुलेट करके देता है। यही काम फॉर्मूले से परमुटेशन बिना रियल अरेंजमेंट के दे सकता है। तो हाउ मेनी परमुटेशंस आर देयर टू अरेंज थ्री ऑब्जेक्ट्स, तीन ऑब्जेक्ट को अरेंज करने के कितने तरीके होते हैं? छह तरीके, हमने अरेंज करके देखा है, ठीक। अब इसको अगर हम फॉर्मूले से बोलें तो हम कहेंगे हाउ मेनी आर देयर, 1, 2, 3, तीनों डिफरेंट है ना, तीनों अलग अलग होने चाहिए। 3P, तीन में से हम कितने ले रहे हैं अरेंज करने के लिए? तीनों ले रहे हैं, तो फॉर्मूला कहता है कि 3P3 होगा। फिर अब परमुटेशन का एक फॉर्मूला होता है बच्चों, NPR इज इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल, n माइनस r फैक्टोरियल, ये एक फॉर्मूला है। अब इसका एक एडवांस केस हो सकता है कि अगर n और r बच्चों सेम हो जाए, जितने हैं हम पूरे अगर ले रहे होंगे, बस एक मिनट में ध्यान से समझिए, उसके बाद सब ईजी हो जाएगा। अगर n में से हम पूरे n लेना चाहते हैं, जैसे हम यहाँ पे 3 बॉस थे, तीनों को एक साथ लेके अरेंज कर रहे थे, या 3 पर्सन है, तीनों को बिठाना है फोटोग्राफी के लिए, तो अगर n और r सेम हो जाए तो ये फॉर्मूला क्या बन जाता है, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस n, यानी कि 0 फैक्टोरियल, क्या होता है 0 फैक्टोरियल? 1, 0 फैक्टोरियल 1 होता है। तो NPN क्या आया, n फैक्टोरियल। ये बहुत बड़ा फॉर्मूला आपने डिराइव कर लिया है कि NPN की वैल्यू क्या होती है, n फैक्टोरियल। अब ध्यान से सुनिएगा, आपको फैक्टोरियल बताया था मैंने, सबको याद है यहाँ पे फैक्टोरियल, किसको याद नहीं है बताओ, मैं फिर से बता दूंगी। सुनो, फैक्टोरियल क्या होता है, 1 फैक्टोरियल मतलब 1, 2 फैक्टोरियल मतलब 2 into 1, 3 फैक्टोरियल मतलब 3 into 2 into 1, मतलब किसी भी नंबर का फैक्टोरियल, इसका मतलब कि वो नंबर को उसके पिछले नंबर से मल्टीप्लाई करते जाना है जब तक कि 1 ना आ जाए। तो 3 into 2 कितना हो गया, तो 3 फैक्टोरियल क्या होता है बच्चों, 6। 4 फैक्टोरियल, 4 into 3 into 2 into 1 कितना आएगा, 24। 4 फैक्टोरियल 24। 5 फैक्टोरियल, 5 into 4 into, ऐसा भी तो लिख सकते हैं, कितना आएगा, 120। ऐसे ही आप किसी भी नंबर का फैक्टोरियल निकाल सकते हो। तो बच्चे जो फैक्टोरियल का कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किया है उसके बेसिस पे बताइए, 4 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल, ठीक है। अब मैथ विजार्ड देखिए, एक 1 फैक्टोरियल इज 1, 0 फैक्टोरियल इज 1, हैंस प्रूव 0 इज इक्वल टू 1। बट 0 फैक्टोरियल इज 1, 1 फैक्टोरियल इज 1, इसका मतलब ये नहीं कि 0 1 सेम है, इसको ये एक एज्यूम्ड डेफिनेशन है, ये मान ली गई वैल्यू है। इसको हम कई सारे तरीके से प्रूफ कर सकते हैं, इसको मैं बाद में प्रूफ करके आपको बताऊंगी, ठीक। तो 0 फैक्टोरियल भी 1 और 1 फैक्टोरियल भी 1, लेकिन 0 इज नॉट इक्वल टू 1। बच्चों क्या हमने डिस्कस किया परमुटेशन के बारे में, व्हाट इज परमुटेशन, इट इज अरेंजमेंट। दो डिफरेंट कलर की बॉल्स हैं, इनको तुम कितने तरीके से अरेंज कर सकते हो, ए बी बी ए, दो बॉल्स का अरेंजमेंट ए बी और बी ए, एक दूसरे से दोनों अलग होना चाहिए, दोनों अलग दिखना, क्योंकि ए बी से डिफरेंट दिखेगा ना ये बी ए, तो दो लोगों दो टू बॉल्स में से टू लेके कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, टू वे से। अब परमुटेशन का फॉर्मूला क्या कहता है,
कि अगर एन ऑब्जेक्ट में से आर ऑब्जेक्ट को लेके अरेंज करना है कितने वेज हो सकते हैं, एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल, लेकिन जितने हैं अगर हम उतने पूरे ले लेना चाहते हैं तो एन फैक्टोरियल, बस ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। आप सुनिएगा, छह फ्रेंड्स फोटोग्राफी के लिए बैठ रहे हैं, उनको लाइन में बैठा के फोटो खींचना है, कितने डिफरेंट तरीके से फोटो आ सकती है। सिक्स फ्रेंड है और सिक्स लेना है, ये क्या होता है, एन फैक्टोरियल, जितने हैं पूरे ले लेना है तो उतने का फैक्टोरियल, तो सिक्स पी सिक्स यानी सिक्स फैक्टोरियल। तो फोटोग्राफी के लिए छह फ्रेंड्स को अगर बैठाना है कितने डिफरेंट तरीके से फोटो आएगी, सिक्स फैक्टोरियल, ठीक है, समझ आई बात, तो जितने हैं उतने का फैक्टोरियल। अगर किसी एक रूम में सेवन चेयर्स खाली हैं और साथ ही सेवन ही लोग जाते हैं, कितने डिफरेंट तरीके से वो चेयर्स में बैठ सकते हैं, सेवन फैक्टोरियल तरीके से, हर एक को चेयर पे बैठना है, कोई भी खड़ा तो नहीं रहेगा, हर को बैठना है, तो सेवन फैक्टोरियल तरीके से कितने तरीके, क्या है अरेंजमेंट है ना, ये भी तो अरेंजमेंट है, चेयर पे बैठाना भी अरेंजमेंट है, तो सिक्स फैक्टोरियल और सेवन फैक्टोरियल इसका आंसर। तो क्या समझ में आया, अगर आर एन से कम है तो परमुटेशन के वेज इस फॉर्मूले से निकाले जाएंगे, अगर एन आर के इक्वल है तो एन फैक्टोरियल सीधे आ जाएगा। लेकिन एक छोटी सी बात याद रखना है कि ये सब फॉर्मूला हम सिर्फ तब लगा सकते हैं जब रिपीटेशन अलाउ नहीं है, और रिपीटेशन अलाउ है तो कैसे करेंगे, जो अभी पिछला टॉपिक डिस्कस किए थे, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। थोड़ा सा समझ में आया, व्हाट इज परम्यूटेशन, इट इज अरेंजमेंट, चीज़ों को अरेंज करना हम लोग परम्यूटेशन में सीखते हैं। तो एक्सरसाइज बच्चों बेस है सिर्फ फैक्टोरियल पे, ठीक है, सो आप सब कर चुके हो, 7.2 एक्सरसाइज देख सकते हैं कितनी बच्चों वाली एक्सरसाइज है। फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ 8 फैक्टोरियल, 8 इंटू 7 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, 7 फैक्टोरियल क्या होता है, 5040 मल्टीप्लाई कर लो, 40, यही है ना, ये सीधे सीधे फैक्टोरियल पे बेस्ड क्वेश्चन है, तो फर्स्ट सेकंड बन जाएगा, थर्ड भी बन जाएगा। अब हम सीधे बताते हैं आपको फोर्थ नंबर का क्वेश्चन, चलिए तो बच्चों बताने लायक सिर्फ क्वेश्चन नंबर 4 है। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं 7.2 का, कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, 1/8 फैक्टोरियल प्लस 1/7 फैक्टोरियल, नहीं 6 है ये शायद, 1/6 फैक्टोरियल प्लस 1/7 फैक्टोरियल इज इक्वल टू एक्स अपॉन 8 फैक्टोरियल, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। अगर हम लोग फैक्टोरियल सॉल्व करना जानते हैं तो ये क्वेश्चन डेफिनेटली सॉल्व कर पाएंगे, लेकिन इस साइड में 8 फैक्टोरियल बनाना है, तो बताइए 6 फैक्टोरियल को 8 फैक्टोरियल कैसे बन सकता है, अगर हम 8 और 7 का मल्टीप्लाई ऊपर कर दें और नीचे भी 8 और 7 का मल्टीप्लाई कर दें, और पहले से क्या है यहाँ पे 6 फैक्टोरियल, और इसमें तुम 8 का मल्टीप्लाई और 8 का डिवाइड कर दो, अभी आपको पता चल जाएगा नेक्स्ट स्टेप में कि ऐसा क्यों कर रहा है। अब मुझे बताइए बच्चों 8 इंटू 7 56, और ये क्या है, 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल इज 8 फैक्टोरियल, 8 अपॉन 8 फैक्टोरियल, क्योंकि यहाँ भी 8 फैक्टोरियल है ना, इसलिए ऐसा कर रहा है अपन कैंसिल करने के लिए, दोनों साइड 8 फैक्टोरियल एलसीएम हो जाएगा, 56 प्लस 8 इज इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू 64, दैट इज आंसर। तो ये पूरी एक्सरसाइज आपसे बन जाएगी, किस पे बेस्ड है, फैक्टोरियल सॉल्व करने पे बेस्ड है। क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, इफ 1/8 फैक्टोरियल प्लस 1/9 फैक्टोरियल इज इक्वल टू एक्स अपॉन 10 फैक्टोरियल, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। एक चीज बस आपको याद रखनी है, हम कभी भी 10 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं, 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल, यानी कि अगर 8 फैक्टोरियल को 10 फैक्टोरियल बनाना है तो 10 और 9 का इंटू करना पड़ेगा, ठीक। अगर 9 फैक्टोरियल को अब 10 फैक्टोरियल को अगेन हम क्या लिख सकते हैं, 10 इंटू 9 फैक्टोरियल, यानी अगर 9 फैक्टोरियल को 10 फैक्टोरियल बनाना है तो 10 का इंटू करना पड़ेगा, बस यही कॉन्सेप्ट रहता है इसमें, अपन का क्वेश्चन ये है, ठीक है। ऐसा बिल्कुल मत करना कि सॉल्व कर लेना 8 फैक्टोरियल सब सॉल्व करके हम सोचेंगे कि एक्स मिल जाएगा, वो सही तरीका नहीं है, उससे नहीं मिल पाएगा। तो अभी हमको करना क्या है कि यहाँ पे 10 फैक्टोरियल है ना, इन दोनों को 10 फैक्टोरियल बनाना है, तो इस 8 फैक्टोरियल को तुम कैसे 10 फैक्टोरियल बना सकते हो, आपको करना क्या है, 10 इंटू 9 का इंटू करना है डिनोमिनेटर में, अब डिनोमिनेटर में किए हैं तो न्यूमरेटर में भी तो करना पड़ेगा, तो 10 इंटू 9 ऊपर भी कर दिए, ठीक है, नीचे 9 फैक्टोरियल में सिर्फ किसका करना पड़ता है, 10 का, ऊपर और नीचे 10 का मल्टीप्लाई कर दिए, इज इक्वल टू एक्स अपॉन 10 फैक्टोरियल। चलिए बच्चों अब ये क्या हो चुका है,
टेन फैक्टोरियल, दिस इज योर टेन फैक्टोरियल एंड ऊपर 90 बन गया प्लस 10 अपॉन 10 फैक्टोरियल इज इक्वल टू एक्स अपॉन 10 फैक्टोरियल. ठीक है, अब 10 फैक्टोरियल एलसीएम, फिर ये कितना आएगा 100 इज इक्वल टू एक्स अपॉन 10 फैक्टोरियल, एक्स इज इक्वल टू 100. इजी था ना?